जी सर सर शेड्यूल फाइव का रिवीजन करेंगे पूरा पूरा जितना समझ आ सकता है जितना समझे अभी वो पूरा रिवाइज करेंगे सर शेड्यूल फाइव ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है दिस इज एप्लीकेबल बेसिकली फॉर योर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर अब सर ये शेड्यूल पांच पार्ट में डिवाइडेड है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर

लेकिन उसमें से तुम रेमेशन किधर से निकाल के दोगे तो आपके पास इन है इट इज नॉट डिफाइंड लॉ अब सर अगर प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट है तो क्या तो बोले भाई हम लिमिट बताएंगे क्या लिमिट बताएंगे सर हमने दो लिमिट बताया लिमिट ए और लिमिट बी लिमिट ए क्या है सर लिमिट ए है कि भैया हम ना सबसे पहले इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल कौन से स्लैब में फॉल करते हैं उसके हिसाब से हम पैसे दे देंगे remuner, को भी, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, मतलब को भी कितना सर? अगर नेगेटिव से फाइव करोड़ तक है तो सिक्सटी लाख रुपीज इफेक्टिव कैपिटल अगर फाइव करोड़ से लेकर हंड्रेड करोड़ है तो एटी फोर लैक्स करोड़ से लेकर टू करोड़ है तो वन ट्वेंटी और मोर देन ट्वेंटी करोड़ से

लिमिट हो जाती है बारह लाख सत्रह लाख चौबीस लाख और वन ट्वेंटी प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट इन एक्सेस ऑफ टू फिफ्टी लैक्स ये आपका लिमिट हो गया सर अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है तो आ जाओ सर इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है इंक्लूड्स पेड अप शेयर कैपिटल एक्सक्लूड शेयर शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडिंग रीवेलुएशन एक्सक्लूडिंग रीवैल्युएशन रिजर्व एंड लॉन्ग टर्म लोन विच इज रिपेबल आफ्टर पीरियड ऑफ वन ईयर सर अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो उसको इंक्लूड करना कोई भी वर्किंग कैपिटल लोन शॉर्ट टर्म अरेजमेंट उसको मत इंक्लू करना उसमें से माइनस कर देना इन्वेस्टमेंट लॉसेस और इन्वेस्टमेंटेड एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ क्यों माइनस करोगे सर हमने क्लास में समझा था ये पैसे हमारे इन्वेस्ट हो गए इफेक्टिव कैपिटल में नहीं बचे तो सर इफेक्टिव कैपिटल जो है ना इफेक्टिव कैपिटल आपका ये लिमिट निकाल करके आप स्लैब में देख लोगे अब सर लिमिट बी क्या है लिमिट बी क्या लिमिट बी क्या लिमिट बी क्या

जो बंदा है ना ही इज फंक्शनिंग इन दी प्रोफेशनल कैपेसिटी सेकेंड ही डज नॉट हैव एनी शेयर होल्डिंग इन दी कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग और एसोसिएट

ऐसे ही सर पहला

अब सर सेक्शन थ्री है सेक्शन थ्री क्या कहते हैं पांच ऐसे सर्कमस्टांस है जिसमें आपको और एडिशनल कंडीशन मीट करना पड़ेगा अगर आप इन एक्सेस ऑफ लिमिट इन एक्सेस ऑफ सेक्शन सेक्शन पे करना चाहते हो 2 में एक की लिमिट है उसके ऊपर अगर आप पे करना चाहते हो ना तो तीन एडिशनल कंडीशन सेटिसफाई करने पड़ेंगे इन पांच केसेस में कौन से पांच केसेस है सर एक नई नवेली कंपनी है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी तो शुरू के सात साल में दूसरा अगर एक सिख कंपनी है जिसका अभी अभी रिवाइवल प्लान सैक्शन हुआ है बाई BIFR, तो फ्रॉम द डेट ऑफ सैक्शन तीसरा अगर शन फिक्स कर दिया है बीआईएफआर ने या एनसीएलटी ने फोर्थ अगर आप एक आप एक कंपनी हो जिसका रेजोल्यूशन प्लान अभी-अभी एनसीएलटी ने अप्रूव किया है देन फाइव इयर्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान एंड फिफ्थ वन इज सर फिफ्थ वन इज इफ सुन लो

दूसरा सर ऑडिटर और कंपनी इतने सारे कंप्लाइस है 197, 5 का कौन चेक इन्होंने बोला ऑडिटर या सीएस तुम सर्टिफाई करके दोगे कि शेड्यूल फाइव का पूरा हुआ है और वो जो सर्टिफिकेट है तुमको तुम्हारे 196 वाले रिटर्न में मतलब जो एमआर है उसमें इंक्लूड भी करना पड़ेगा और पार्ट फोर कहता है सर शेड्यूल पार्ट फोर कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको एग्जेम कर सकता है कंपनी फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल फाइव ठीक है कंपनी को आपके शेड्यूल फाइव के रिक्वायरमेंट से एग्जेम कर सकता है दैट्स इट आई थिंक सो Yes, guys. Thank you.